जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। आपके लिए कोई नई भर्ती यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में आपकी भर्ती होनी है, वो भी दो जिला, आपका ग्वालियर और इंदौर भर्ती रहेगी। आपका ये रहेगा आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपकी भर्ती होनी है। और यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। आवेदन में बात करूँ तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट डेट है 15 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो पद रहने वाला है, सहायक शिक्षक का आपका पद रहने वाला, शिक्षा कर्मी का आपका यहाँ पर पद रहने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से आवेदन करना है और कहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड करना है। पूरा वीडियो बताने वाले हैं, वीडियो इससे अपना करें, वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए या नए आए तो मेरा आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता है। चलिए हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी आपकी वैकेंसी रहने वाली है, फिर बताएं कहाँ से आपको नोटिफिकेशन करना है डाउनलोड। तो यहाँ पे हम चलते हैं, नोटिफिकेशन में कर लिए ये डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो भर्ती निकाली जा रही है वो आई क्लास की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 18 अक्टूबर को यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों की जो भर्ती यहाँ पर रहेगी, ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी यानी सहायक सुरक्षा की आपकी भर्ती होनी है, ठीक है, सहायक सुरक्षा की आपके यहाँ पर भर्ती होनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, अनुबंध के आधार पर, ठीक है, अनुबंध के आधार पर आपको 3 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए आपकी जो फर्स्ट पोस्ट रहेगी सहायक शिक्षक की रहेगी, यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी की, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं पद की बात करूँ तो 436 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। अब जो आपकी जो पोस्टें कहाँ कहाँ होनी है, देखिए यदि मैं मध्य प्रदेश में बात करूँ तो आप लोगों की पोस्टें होनी है ग्वालियर में और इंदौर में, ठीक है, बाकी और भी राज्य में होनी है, लेकिन पर बात करने वाले मध्य प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पे आपको आवेदन 15 नवंबर तक आप लोगों को आवेदन कर देना ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए आपकी जो फीस की बात करूँ तो कितनी फीस आपकी लगने वाली है, तो जो आवेदक जनरल के रहेंगे या OBC के रहेंगे उनकी लगने वाली 500 रुपये, ठीक है। और जो SC ST के रहेंगे, EWS की रहेंगी, महिला रहेंगी, उनकी लगने वाली 100 रुपये, ठीक है, ये उनकी लगने वाली। यहाँ पर आवेदन जो 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और 15 नवंबर तक ये आवेदन है चलने वाले हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, अभी आप कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर देखिए यदि आप लोग 12वीं पास हैं फ्रॉम ऑफ द एनी रिकॉग्निशन बोर्ड MP, ठीक है ना, बोर्ड, आपने किसी बोर्ड से 12वीं पास किया हो, और ठीक है, दूसरी बात है जो आवेदक रहेंगे जनरल के या मान लो रहेंगे OBC के, उनका 12वीं में 60% से ऊपर होना अनिवार्य रहेगा, और SC ST वाले रहेंगे उनका 50% से ऊपर होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, तो ये आना चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पे जो आपका बोलना इंग्लिश में, हिंदी में बोलना है, हिंदी में इंग्लिश दोनों में बोलना, लेकिन आपको आना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज भी आपको आना पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एज की बात करूँ तो आप मिनिमम एज 18 वर्ष है, मैक्सिमम 27 वर्ष इसने बता दिए, ठीक है। और जो फ्रॉम फार क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोगों को जो एयरपोर्ट में जो यात्रियों का सामान होता है, बैग होता है, वो आपको उठाना रखना, ये आपको पूरा काम करना पड़ेगा, नहीं आपको पूरा काम करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग का आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेदन रहेगा, तो कोई भी इंडियन का भारतीय नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकता है, क्योंकि सभी राज्यों की आप निकाली गई, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों की एज मैंने आपको बता, देखो जो रहेंगे आपके SC ST वाले रहेंगे उनको मिलने वाली 5 साल की मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है, और OBC वालों को मिलेगा 3 साल का, ठीक है, तो ये भी उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ सैलरी की, तो यहाँ पर देखिए जो यदि आप लोग 3 साल तक काम करते हो तो पहली साल मिलेगी आपको 21,500 रुपये, दूसरी साल मिलेगी आपको 22,000 रुपये और तीसरी साल 22,500 रुपये, मतलब आपको ये मिलने वाला है 3 साल तक, ठीक है। और दूसरा इन्होंने देखो यही बता दिया आपको, जो TA DA वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इन्होंने बता दिया। और यहाँ पर 18 से बता दी मैंने आपकी, और ठीक है ये आपकी रहने वाली है, आपको लीव भी मिलेंगी, ठीक है, तो ये भी अच्छा लीव का मौका है, 12.5 ईयर मिलेंगी, ठीक है, 9 CA मिलेंगी, 2 आपका मिलेंगी, ठीक है, तो आप लोग भी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरी बात यहाँ पर आपको प्रति साल 10,000 रुपये अलग से दिया जाएगा, ठीक है, अलग से आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, ये आप चिकित्सा के लिए, ये भी अच्छी बड़ी खुशखबरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे आते हैं इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन, तो देखिए इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्म ठीक है भरना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से। दूसरा आप लोग यहाँ पे आओगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी आपकी मेल ID पे यहाँ पर दे दी जाए, जो आवेदक यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपके पर्सनल ठीक है EMAIL ID या आपको उसके माध्यम से आपको जो आवेदन है वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। EMAIL ID भेजेंगे या आपको डाक के द्वारा आप लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप लोग जाओगे
और दूसरा आपको यहाँ पर देखिए एक वर्ष के लिए आपकी जो मानी जाएगी परिवीक्षा अवधि यहाँ पर मानी जाएगी। तो ये भी बहुत समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा परिवीक्षा में आपका ये होने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को जो भी लगाना पड़ेगा, तो आप लोगों को जो आपका आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, ठीक है, तो ये आपको सब वहाँ पर लगाना पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको वहाँ पर रहने वाला है। दूसरा हम बात कर लेते हैं TADA, तो आपको देखो TADA वो आपको वो भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है TADA के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आप दूसरा आपकी जॉब लगने वाली, वो किसी भी जो जो उसमें राज्य दिए हैं किसी भी राज्य में आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इनकी परमिशन है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कहीं भी आपको वो ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो 3 साल के लिए आपका ये रहने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 साल के लिए आपका ये रहने वाला है, और हो सकता है बाद में यदि अनुबंध पूरा होता है तो इनके ऊपर ही आप लोग चाहे तो ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और दूसरा आएगा विभाग, चाहे तो कभी भी अनुबंध को यहाँ पर समाप्त कर सकता है, विभाग ऊपर डिपेंड करता है कब इसको समाप्त करना है, ठीक, कब नहीं करना, तो ये विभाग कर सकता है, ठीक है, ये भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। और नेक्स्ट बात है कि एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन को यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ना कि और अधिक, ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए केवल आप लोग एक ही राज्य के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो बारी पास होना अनिवार्य आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, ये मैंने बता दिया। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से करना है नोटिफिकेशन डाउनलोड, वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो, और इसका हम लिंक दे देंगे हमारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, और हमने ये कर लिया वेबसाइट ओपन, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को चले जाना इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे इनकी आप लोग वेबसाइट पर आओगे यहाँ पर, और आपको जाना पड़ेगा करियर ऑप्शन पर, और करियर पर आप चले जाओगे यहाँ पर आप लोग दे जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट ऑफ द पर्सन ऑफ AII, ठीक है ना, ये आपकी भर्ती नहीं रहने वाली है, ठीक है, आप क्लासिफाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी जो जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देखो डेट है 20 से स्टार्ट है, 15 नवंबर तक चलने वाली। अप्लाई क्लिक करोगे यहाँ पे तो अप्लाई करने का यहाँ पर जो स्टार्ट है वो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं आप कर लेता हूँ लॉग इन, क्लिक कर लेता हूँ लॉग इन पर। मैंने जैसे लॉग इन पर क्लिक किया मेरे सामने ये आ गया, यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर अपलोड करना आधार कार्ड, यहाँ पर नेम डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो बना सकते हैं, मेल फीमेल है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपको डालना रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको इसको जो अप्लाई वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी, जिन आवेदकों को पास 12वीं पास है, परसेंट अच्छा है, वो चाहते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग यहाँ से कर लेना डाउनलोड नोटिफिकेशन प्लस वेबसाइट का लिंक दे देंगे हम, और इसे अप्लाई करने का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल का साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर आप लोग नए हैं या पहली बार आए तो मेरा आप लोगों से निवेदन है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, तो ताकि आप मध्य प्रदेश तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दूसरी बता दूँ मैं आप लोगों के लिए, इसका हमने वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बनाया था ताकि हम लोगों से बोल रहा था कि आप लोग हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जानकारी 22 तारीख को आपको देंगे, तो हमने वो वीडियो बना दिया। चलिए फिर मिलते हैं, ओके दोस्तों, थैंक।